इस बात को दिल की तख्ती पे लिख के ले जाएं और शादी के दिन से याद रखना, जहां शादी हो उसे भी पैगाम भेज दें, उसे कहें कि वुजू में आना। अपनी बहनों को जो जाती हैं पहले चली जाती हैं, उन्हें कहें दुल्हन को वुजू कराना। या जब यहां पहुंचे, यहां पहुंच के कौन वुजू करेगी? जिसने 5,000 या 25,000 दिया है मेकअप का, वो वुजू कहां करेगी? ये सोचिए ना कि ये रस्में हमें किस साइड पे ले गई। जो ब्यूटी पार्लर पे 15,000 या 25,000 दे के आई है, वो वुजू करके उसे जाया करेगी? उसका तो 1,000 बार वुजू टूटे, वो नहीं करेगी वुजू, क्यों करेगी? ये चीजें हमारे अंदर बेहिसी बेगैरती पैदा कर रही। ये अंग्रेजों की चाल थी, आज ऐसे क्लिप बन गए बालों में लगाने के लिए कि 10 दुकानें फिर कर जिस लड़की ने एक क्लिप खरीदा है, वो चाहती है कि उसको छुपा दे दुपट्टे में। सोचने की बात, वो उस क्लिप को दिखाने के लिए दुपट्टा सर से उतार देगी। एक क्लिप के लिए दुपट्टे उतर गए, और फिर यहां लाकट जो बने लाखों के लिए गले से भी गए। मौलाए कायनात अली मुर्तजा फरमाते हैं सारी दुनिया सो रही है, जब मरेंगे तब जाग जाएंगे। ये 4 दिन की चांदनी है लोगों, जिसके हम धोखे में पड़े हुए हैं। फरमाया सारी दुनिया सो रही है और जब मरेंगे तब जागेंगे। वो बेटियां जो आज सिर्फ छोटा सा दुपट्टा टुकड़ा सर ढांपने के लिए इस्तेमाल करते हुए कहती हैं हमें उलझन होती है, सांस बंद होता है। मैं कहता हूं मेरी बहन बेटी गौर कर, जब 22 गज लट्ठे के कफन में लपेट कर तुझे तारीख कब्र में डाल दिया जाएगा, तेरा दम कितना घुटेगा? उस वक्त को याद करो, कब्र हमारे सामने रखो, कब्र से नजर ना हटाने पाओ, अपनी आकबत की फिक्र करो। वो पलट के आ नहीं सकती ना, वरना तुम्हें बताती कि वहां क्या होता है। कब्रें चीखों से भरी है, कब्रें आजाब से भरी है, आग से भरी है, कीड़ों से भरी है, बिच्छुओं से भरी, मगर नजर नहीं आता हमें। तो जिन्हें आता था उन्होंने खबरें दे दी, उन्हें फरमाया बचो कब्रों से, कि बड़े बड़े कब्रों में लेटे हुए आज चीख रहे हैं। हल मिन आहदिन में यज़कुर गुरबतना, बहुत सी कब्रों में वडेरे अमीर अमीर जादियां, वहां का सिक्का पास कोई नहीं था, वहां के लिए तैयारी कोई नहीं कर रखी। बहुत से अमीर और अमीर जादियां कब्रों में हैं, और आप चीख चीख के कहते हो दुनिया वालों है कोई जो आज हमारी गरीबी पे तरस खाए? अफसोस, वो हुसन जिस पर नाज था आज कीड़ों की खुराक बन गया, हड्डियां बिखर गईं, वो बाल जिस पर न जाने कितने दीवाने लपकते थे, वो आज खाक में खाक हो गए।